तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। अंग्रेजी का यह दूसरा क्लास है। इस दूसरे क्लास में मैं आज आप सभी को अंग्रेजी का रेनबो पार्ट टू बुक प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं। आज हम जानेंगे अंग्रेजी का जो बुक है रेनबो पार्ट टू। इस बुक में आपको प्रोज दिया गया है, पोएट्री दिया गया है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हमें प्रोज सेक्शन पढ़ना है और पोएट्री सेक्शन पढ़ना है। तो सर्वप्रथम आज हम जानेंगे कि प्रोज क्या होती है, पोएट्री क्या होती है, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग चैप्टर को प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, देखिए, आपको रेनबो बुक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था, ठीक है? आप जैसे ही उल्टाएंगे तो आपको जो कंटेंट है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला कंटेंट में दिया है प्रोज सेक्शन। यदि मैं प्रोज की बात करूं तो आपके बुक में कुल मिलाकर के 11 प्रोज आपको दिया गया है, ठीक है? कितने प्रोज दिया गया है? 11। चूंकि इस बुक में प्रोज 11 दिया गया है, इसलिए सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि आखिर प्रोज क्या होता है, ठीक है? प्रोज क्या होता है? चूंकि सर्वप्रथम हम तो प्रोज ही स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है ना, प्रोज। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम। तो सर्वप्रथम हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोज क्या होता है, ठीक है? फिर प्रोज को समाप्त करने के बाद हम आपको पोएट्री स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पोएट्री, ठीक है? पोएट्री स्टार्ट करेंगे। पोएट्री की संख्या आपको कुल मिलाकर के 10 है, अर्थात 10 आपको पोएट्री है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बुक में मैं आप सभी को प्रोज और पोएट्री में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही पोएट्री के बाद में पन्ना पलटता हूं, आपको एक और लिखा हुआ देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, रीड थिंक एंड एंजॉय। अर्थात रीड मतलब पढ़ना है, थिंक मतलब सोचना है, एंड एंजॉय फिर क्या करना है? एंजॉय करना है। अर्थात पढ़ना है, सोचना है, फिर एंजॉय करना है, जिसमें आपको 1 से लेकर के 9 तक आपको दिया गया है, ठीक है? प्यारे बच्चों, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस सेक्शन को आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इस रेनबो पार्ट टू में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोज और पोएट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, प्रोज और पोएट्री पढ़ाने से पहले हम आज यह समझेंगे आखिर प्रोज क्या होता है और पोएट्री आपको क्या होता है, दोनों के बीच क्या अंतर होती है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, प्रोज और पोएट्री जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, ठीक है? पूरे साल का 5 विषय का जो प्यारे बच्चों फी है, महज आपको 1500 रुपये है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगा कि मैं पूरे साल का 5 विषय का मात्र मैं आपसे 1500 रुपये चार्ज कर रहा हूं। इस 1500 में मैं आपको 5 विषय चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त करके मैं आप सभी को गैस क्वेश्चन निःशुल्क दूंगा। जिस गैस क्वेश्चन का भी मैं देखते हुइएगा 500 रुपये चार्ज करता हूँ, वह गैस क्वेश्चन आप सभी को फ्री में दिया जाएगा। चैप्टर वाइज में आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी दिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, यानी सारे फीचर्स आपको दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अत्यधिक जानकारी यदि आपको लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है? इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पूरे साल का फी मात्र 1500 रुपये, बीच में 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे आखिर प्रोज क्या होता है और आपका पोएट्री क्या होता है। मैं इस साइड प्रोज लिख देता हूं और इस साइड में प्यारे बच्चों पोएट्री लिख देता हूं, ठीक है? आप देखते होइएगा, 1 से लेकर किस प्रकार आपका प्रोज है, ठीक है? कहां गया? इस पेज में इधर प्रोज है, इधर आपका क्या है? तो प्यारे बच्चों पोएट्री है, ठीक है? इधर आपका क्या है? पोएट्री है, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम
जो प्रोज को लिखेगा, प्रोज को हिंदी में हम लोग गद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गद्य। गद्य कहिए, गद्यांश कहिए, गद्य खंड कहिए। हिंदी में था ना गद्य खंड, ठीक है? तो गद्य कहिए, गद्यांश कहिए, गद्य खंड कहिए, बात बराबर है। और पोएट्री को पद कहिए या काव्य कहिए या काव्य खंड कहिए या पद्यांश कहिए, बात बराबर है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि प्यारे बच्चों, जो गद्य को लिखते हैं उसे हम लोग लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखक, ठीक है? अर्थात जो भी प्रोज को लिखेगा वह क्या कहलाएगा? वो लेखक। अब लेखक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों राइटर कहते हैं। अर्थात जो भी प्रोज को लिखेंगे प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएंगे? वो राइटर कहलाएंगे, ठीक है? वो क्या कहलाएंगे? राइटर। समझ गए? जो भी प्रोज को लिखेंगे वो क्या कहलाएंगे? राइटर कहलाएंगे आम भाषा में, यानी लेखक। और जो पोएट्री को लिखेंगे अर्थात पद अर्थात काव्य, जो काव्य को लिखेंगे वह क्या कहलाते हैं हिंदी में? तो कवि कहलाते हैं। इसी प्रकार जो पोएट्री को लिखेंगे तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएंगे? वो आपको पोएट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो पोएट कहलाएंगे। पहला बात आप लोग समझ गए, इसमें तो किसी भी प्रकार का प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है? ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, बस लाइटली समझ करके निकल जाना है। दूसरा जो बात होता है, जो प्रोज होता है, प्रोज को हमेशा देखिएगा एक सेंटेंस के रूप में लिखा जाता है, एक वाक्यों के रूप में आपको लिखा जाता है, ठीक है? इसमें हम लोग सेंटेंस का यूज करते हैं, वाक्यों का यूज करते हैं। जैसे देखिए आपका ये रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें पूरा वाक्य है। वाक्य है कि नहीं है प्यारे बच्चों? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है? जबकि हम लोग पोएट्री में क्या करते हैं? तब प्यारे बच्चों लाइन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? लाइन। अब देखिए तो इस प्रकार का वाक्य है, तो ये सब प्रोज में देखने को मिलेगा। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये भी आपका प्रोज है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब जैसे हम पोएट्री कोई भी लेते हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम कोई भी पोएट्री लेते हैं, तो देखिए आपको क्या द सोल्जर लैंड बाय लैंड यहाँ पर प्यारे बच्चों देखने को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पर देखिए लैंड बाय लैंड है द सोल्जर, यह क्या? तो लैंड बाय लैंड है। और हम कोई भी लेते हैं, द सोल्जर ही नहीं, हम कोई भी आपको पोएट्री लेते हैं, देखिए ये भी आपको लैंड बाय लैंड है, आपको सेंटेंस में नहीं लिखा गया, किस में लिखा गया? लैंड में लिखा गया, ठीक है? और भी हम कोई लिख लेते हैं, जैसे देखिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी आपको लैंड में लिखा गया। तो जो हमेशा जो पोएट्री होता है वो आपके प्यारे बच्चों किस में होता है? लैंड में, अर्थात पंक्तियों में रहता है, ठीक है? तो आम भाषा में समझ लीजिएगा कि जो पंक्ति में है वह आपको क्या है? तो पोएट्री है। जो वाक्य में है वह प्यारे बच्चों आपको क्या है? तो प्रोज में है, ठीक है? इसमें जो थर्ड पॉइंट है, जो प्रोज में होता है प्यारे बच्चों, हम लोग साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं, साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं प्रोज सेक्शन में। जबकि जो पोएट्री जो सेक्शन होता है इसमें जो भी शब्द होता है वो विशेष शब्द होता है, आर्टिस्टिक शब्द होता है, जिससे लाइन जो है अर्थात जो पोएट्री है वो सुनने में काफ़ी क्या लगे? तो प्यारे बच्चों अच्छा लगे, है कि नहीं? जैसे एक संगीत होता है, संगीत में देखिएगा हमेशा एक विशेष शब्द होता है जो कि एक सुर के साथ चलता है, तो सुनने में काफ़ी क्या लगता है? तो अच्छा लगता है, ठीक है? उसी प्रकार पोएट्री में क्या होता है कि विशेष शब्दों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे पोएट्री हमारा जो होता है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? अब जो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोज के अंतर्गत, आपको प्यारे बच्चों क्या क्या आता है? तो प्रोज के अंतर्गत आता है स्टोरी, ये सब हमेशा याद रखिएगा, स्टोरी, स्पीच, ठीक है? स्टोरी हो गया, स्पीच हो गया, एसे हो गया, ठीक है? ये सभी जो है आपको प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोज के अंतर्गत आते हैं। खास करके आपका स्टोरी, ठीक है,
स्पीच और एसे, ये जो तीन है यह तीनों के तीनों आपको प्रोज के अंतर्गत है ना आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, तो अब आप तो समझ गए कि प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है। नॉर्मली प्यारे बच्चों इतना समझना क्या है, जितना समझ गए आप काफ़ी ज़्यादा समझ गए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये सभी तो पूछे नहीं जाएंगे कि प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है। ठीक है ना, इसलिए अब प्रोज और पोएट्री को हम यदि समझ चुके हैं तो अब हम आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको जो भी प्रोज है, जैसे प्रोज क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपका प्रोज है, इनके राइटर कौन है अर्थात ये कौन लिखे, तो इस प्रकार का आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, या ठीक है आपको रहेगा हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपको महात्मा गांधी जी। अर्थात आपको क्या करना है, एक से लेकर के 11 तक, एक से लेकर के 11 तक जितने भी आपको प्रोज हैं उनके राइटर का नाम आपको रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है, क्योंकि कोविड सेशन में आपको मैचिंग में डायरेक्टली इससे 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर प्रो सेक्शन से, 5 नंबर पोएट्री सेक्शन से, हो गया 10 नंबर। ठीक है, जैसे प्रो सेक्शन से किस प्रकार पूछेगा, आपको मिलाने वाला भी आपको रहता है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे, तो महात्मा गांधी जी में चिन्हित कर देना है। भारत इज माई होम कौन लिखे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसमें मैचिंग कर देना है, इस प्रकार से आपको रहेगा। और जैसे नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम कौन लिखे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो प्रोज में ऐसे मिला देना है, ये आपको 5 नंबर करता है। उसी प्रकार पोएट्री में आपको है ना रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको कौन है ना लिखे हैं, तो वॉल्ट विटमैन लिखे हैं, इस प्रकार से आपको मैचिंग है ना कर देना है। एन एफ किताब कौन लिखे हैं, इनके राइटर कौन है, सॉरी इनके पोइट कौन है, तो पोइट है वॉल्टर डीला मेयर, इस प्रकार से मैचिंग आपको करना रहता है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको आसान भाषा में यदि आप हमारे कोर्स को परचेज किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जितने भी आपको प्रोज है उनके राइटर और प्रोज का किस प्रकार का प्रोज है। ठीक है, यानी ऐसे है, स्टोरी है कि शॉर्ट स्टोरी है, इसमें और भी आता है आपका स्टोरी हो गया, स्पीच हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, ड्रामा हो गया कि ड्रामा है कि ऐसे, इस प्रकार से आपको रहता है। तो मैंने क्या किया है कि आपको ये सभी जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं मैंने इस प्रकार से आपको दे रखा है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, तो प्यारे बच्चों आपको रट लेना है। क्या कर लेना है, तो आपको रट लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा वेट करिएगा। थोड़ा सा पीडीएफ में इसमें रखा हुआ था इसलिए लॉक लग गया था, तो थोड़ा सा मैं आपको देखिए, मैं इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको दे रखा हूँ पीडीएफ। यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे मैं आपको ये पीडीएफ आपको दे रखा हूँ, आपको इस प्रकार से याद कर लेना। मैं आपको एक टेबल में आपको बना देता हूँ, ठीक है, प्रो सेक्शन का मैं बना देता हूँ, आपको कॉपी में रट लेना है, घोर करके पी लेना है। ठीक है ना, तो इसमें मैं दिया हूँगा ऊपर में प्रोज, ठीक है, ये मेरा हो गया प्रोज, और एक साइड मैंने दिया होगा राइटर, राइटर। ठीक है, और मैं एक से लेकर के 11 तक आपका प्रोज है, एक से लेकर के 11 तक मैं आपको प्रोज दिया हूं, जो पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके राइटर कौन है, तो इनके राइटर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, अब ये प्रोज में किस प्रकार के हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे इस प्रकार से आपको लिख लेना है ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकेंड आएगा भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, तो प्यारे बच्चों इनके राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर
जाकिर हुसैन। ये किस प्रकार के हैं? तो ये स्पीच है, आप सभी को पता है कि भाषण दिए हुए थे, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको देखिए एग्जाम में किस प्रकार से आपको रहता है। इंडियन सिविलाइजेशन इज एन, एन क्या ऑप्शन में रहेगा? स्पीच, ड्रामा, एसे, नन ऑफ दिस। उत्तर क्या हो जाएगा? एसे। इस प्रकार से आपको चिन्हित कर देना है, आपको पहले याद कर लेना। इसी प्रकार से जो तीसरा है, फिर से थोड़ा सा लोक लग गया है, एक मिनट। अब तीसरा है प्यारे बच्चों, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। इनके राइटर मनोहर मालगोलकर, आपको पता होगा मनोहर माल गोनकर, ठीक है। ये क्या है? तो प्यारे बच्चों शॉर्ट स्टोरी। ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी। आपको ये सभी के सभी रट लेना है चार में। प्यारे बच्चों ये आपको बुक में दिया हुआ है, आप जो है मैचिंग कर लीजिएगा। मैं शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, आई हैव ए ड्रीम। ये कौन लिखे हैं? तो मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। यदि बुक नहीं हो तो हम पूरा लिख ही देते, बहुत बच्चे के पास बुक नहीं रहता है, ठीक है। खैर यदि बुक नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपके पास बुक होगा ही, ठीक है। आपको क्या करना था प्यारे बच्चों? लिख लेना, नहीं तो चार तक हो ही गया, पूरा हम कंप्लीट कर ही देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। इनको ये किए क्या? ये आपका स्पीच है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आपका स्पीच है। इसी प्रकार पांच में क्या है? आप इसी प्रकार पांच छ सात आठ करके ये आपको 11 तक जाता है। 11 है ए मैरिज, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल है जो कि आपको ड्रामेटिक पोएट्री, ठीक है। तो यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन किए ही होंगे तो हमें आपको दे ही आपको दिया होगा, ठीक है। पेड बच्चों तो ज़्यादा लिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं आपको इस प्रकार से मैं आपको दे रखा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको जो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको पूछा जाता है, मिलान में पूछा जाता है। तो मिलान में आपको प्रो से 5 नंबर के, यदि कोविड का टाइम है तो, और पोएट्री से 5 नंबर के, अर्थात कितने नंबर के हो गए? तो प्यारे बच्चों 10 नंबर के। हालांकि मैंने इसे प्रोज दिया है, आपको पोएट्री भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से रहेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, या आपको इस प्रकार से रहेगा दूसरा ऑब्जेक्टिव, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है। उसी प्रकार आपको रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन, ये भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु रोट भारत इज माय होम, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी प्रकार ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मालगोलकर, ठीक है। पहले बच्चों इसी प्रकार आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। इसी में आपको दिया रहेगा ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए क्या? ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी। तो ऑप्शन में रहेगा एसे है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है कि नन ऑफ दीजिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। इसी में यदि आपको रहेगा क्या रहेगा? आई हैव ए ड्रीम इज एन इज ए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? तो हो जाएगा स्पीच, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसलिए आपको इसको क्या करना है? तो गौर करके पी जाना। यदि आप गौर करके पी जाते हैं तो यहाँ से जो नंबर है आपको कम से कम 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आसानी से आपको चले आएंगे। मिनिमम 15 नंबर तो आना ही आना है, इससे ज़्यादा ही आपको चले आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का जो क्लास है, आज का क्लास हम आपको यही समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बुक में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये जो चैप्टर है इसको प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।